सवाल है, दुश्मन की सीमा में बिना पता लगे घुसकर उस पर जोरदार हमला करने के बाद बिना नुकसान उठाए लौट आने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? जवाब है, इस तरह के एक बॉम्बर की मदद से। दुश्मन पर अपना दबदबा बनाए रखने की होड़ के कारण पिछले 100 वर्षों में बॉम्बर्स का विकास बड़ी तेजी से हुआ है, मगर लड़ाई के मैदान में ये इतने महत्वपूर्ण और अनिवार्य हथियार कैसे बन गए? आपसी टकराव और युद्ध हमेशा से ही मानव के अस्तित्व का एक हिस्सा रहे हैं और जीत हमेशा उसी की हुई है जिसके पास ज्यादा उन्नत टेक्नोलॉजी होती है। सदियों से दुश्मन पर नई तलवार, तोप, टैंक या टॉर्पीडो से आकस्मिक हमले तो होते आए हैं, पर हमेशा ये हमले समुद्र में या सख्त और सूखी जमीन पर ही होते थे। जरा कल्पना कीजिए कि जब दुश्मन पर पहली बार हवा से हमला हुआ होगा तो उसे कैसा झटका लगा होगा। दस्तावेज के हिसाब से पहली बार हवाई जहाज से बम सन 1911 में लिबिया में गिराया गया था। इटालियन अफसर जूलियो गैफोटी ने अपने तुर्क दुश्मनों पर इसे गिराया था, जिन्होंने इसे निहायत घटिया हरकत करार दिया था। सोचने का वो भी एक नजरिया है। आज ये सोचना भी असंभव सा लगता है कि उस समय युद्ध का ये कितना अजीबोगरीब तरीका रहा होगा, क्योंकि कुछ साल पहले ही तो हवाई जहाज की खोज हुई थी। लकड़ी और कपड़े से बनी इन शानदार मशीनों को एडवर्ड के वंशज फ्लाइंग मशीन्स कहते थे। बेखबर दुश्मन पर बम ले जाकर अचानक से हवाई हमला करना आपको युद्ध में बड़ा फायदा पहुंचाता है, वो आपके हमले का जवाब नहीं दे पाता है। कितनी गलत बात है। शुरुआती बॉम्बर ज्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं थे, दरअसल वो बॉम्बर थे ही नहीं। ये है ब्रिस्टल F2B जिसमें V12 रोल्स रॉयस फाल्कन 3 इंजन लगा है। बुनियादी तौर पर लकड़ी और कपड़े से तैयार किया गया यह विमान सन 1917 का है। अपने जमाने के हिसाब से बेहद फुर्तीला था, मूल रूप से फाइटर था। टोह लेने और दूसरे विमानों को गिराने के लिए इसे बनाया गया था। तो ऐसी मशीन से बम कैसे गिराए जा सकते हैं? नीची उड़ान भरते हुए आपको खुद अपना टारगेट देखना होता था। नेविगेशन के लिए कोई मदद मौजूद नहीं थी। दूर तक ठीक से देख सके इसलिए दिन का साफ होना बेहद जरूरी था। टारगेट दिख जाने के बाद आप ऐसे बम उठाकर उसे बगल से नीचे फेंक देते थे। कुल मिलाकर बस इतना ही किया जाता था। निशाने पर बम गिरा पाना बड़ा ही मुश्किल हुआ करता था। चलिए करके दिखाता हूं। वो रहा मेरा निशाना और यह है मेरा बम, उड़ा दूंगा। दरवाजा खुलता था और बम गिरा दिया जाता था। परेशानी ये थी कि आप निशाने के ठीक ऊपर आकर बम गिराते थे। सीधा नीचे गिरने की बजाय बम निशाने से आगे जाकर गिरता था। एयरक्राफ्ट का मोमेंटम बम को भी मिलता था, वो उसी दिशा में आगे जाता था और निशाना चूक जाता था। दरवाजा खुलेगा, बम गिराया जाएगा। दरवाजा खुला, बम गिरा दिया। बम को मिलने वाले मोमेंटम को ध्यान में रखते हुए निशाने से पहले ही बम को गिराने से वो सही जगह पहुंचता था। सही अंदाजा लगाना बहुत महत्वपूर्ण था। जैसा आपने देखा, मैंने सही निशाना लगाया था, पर सच यही है कि किसी युद्ध के दौरान मामला किस्मत के हाथ होगा। निशाने पर बम गिरे इस संभावना को बढ़ाने के लिए ज्यादा बम गिराना एक समाधान था। इस मकसद को ध्यान में रखते हुए पहला बॉम्बर बनाया गया। ज्यादा शक्तिशाली इंजन के लगाने से बहुत फर्क आया। ये सन 1934 में बना हॉकर हाइन है, जिसमें 640 हॉर्स पावर का रोल्स रॉयस कैस्ट्रल इंजन लगा था और इसी कारण वो एयरक्राफ्ट को मेटल से बनाकर मजबूती दे पाए थे। वो ज्यादा दूर तक ज्यादा तेजी से उड़ सकता था और उसमें ज्यादा बम ले जाए जा सकते थे। कुछ रैक सिर्फ बम रखने के लिए बनाए गए थे। इस बॉम्बर से ज्यादा बम कम समय में सही निशाने पर फेंके जा सकते थे। पर दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत से पहले तक बॉम्बर्स का दबदबा खत्म होने लगा था। नए हथियार और रेडार टेक्नोलॉजी के आ जाने से दुश्मन को आते हुए बॉम्बर का पता लग जाता था। बॉम्बर अपना काम कर पाए उसके पहले ही उसे मार गिराया जाता था। ऐसी बातें होने लगी थी कि हवाई बमबारी के अभियान बंद कर देने चाहिए। दुश्मन ने बड़ी गलत जगह पर वार किया है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। पर सन 1942 में एक ऐसा नया विशाल बॉम्बर विकसित हुआ जिसने युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तकदीर ही बदल डाली थी। इसमें हर सवाल का मुंहतोड़ जवाब था और बेहद ज्यादा विनाश की क्षमता भी थी।
ये शानदार एयरक्राफ्ट एवरो लैंकास्टर है जिसने बहुत से पायलट्स को हीरो बनवा दिया। सन 1942 में इसे ब्रिटिश वायुसेना में शामिल किया गया था। सन 1945 में युद्ध खत्म होने तक 7,000 विमानों ने युद्ध में हिस्सा लिया था। ब्रिटेन द्वारा की गई हवाई बमबारी का 2/3 हिस्सा इन्हीं ने गिराया था। बॉम्बर्स के सामरिक महत्व को बड़ी दमदारी से फिर उसकी जगह पर पहुंचा दिया था। तो लैंकास्टर इतना कुछ कैसे हासिल कर पाए थे? सबसे पहली और सबसे महत्व की बात पावर की बहुतायत थी। डेढ़ हजार हॉर्स पावर वाले चार शानदार रोल्स रॉयस मर्लिन इंजन थे। ये वही इंजन थे जिन्होंने स्पिटफायर को अद्भुत सफलता दिलाई थी। 12 सिलेंडर 48 वाल्व वाले मर्लिन इंजन की कैपेसिटी 27 लीटर थी। इन इंजनों के साथ 6 बड़े फ्यूल टैंक थे जो इस बॉम्बर को 3200 किलोमीटर की रेंज देते थे। ये बॉम्बर 6000 मीटर की ऊंचाई पर 440 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ पाते थे, इसलिए दुश्मन की गोलीबारी की पहुंच से ऊपर रहते थे। लैंकास्टर को किसी फाइटर या किसी अन्य साधारण हवाई जहाज में थोड़ा बहुत फेर बदल करके बॉम्बर नहीं बनाया गया था, उसे उसकी बम रखने की जगह के इर्द गिर्द ही डिजाइन किया गया था। ये बम रखने की जगह ऐसी वैसी नहीं थी। 10 मीटर बाई 1.5 मीटर की इस जगह में 10 टन वजन के बम रखे जा सकते थे। इसमें अलग अलग तरह के कई बम एक साथ रखे जा सकते थे। ये 1800 किलो का बम जो पूरी सड़क तबाह कर सकता था। ये बड़ा टॉल बॉय बम 5400 किलो वजनी था, कारखानों जैसी मजबूत और बड़ी इमारतों को बर्बाद करने की क्षमता रखता था। और इस ग्रैंड स्लैम अर्थक्वेक बम का अपना वजन ही 10 टन था। ये अब तक बनाया गया सबसे भारी बम था। ये 9 मीटर मोटे कंक्रीट को भेद सकता था। रीइंफोर्स मिलिट्री इंस्टॉलेशन को तहस नहस करने की क्षमता रखता था। इस विशाल जखीरे को लेकर लैंकास्टर बॉम्बर ने बमबारी की प्रभावशाली मुहिम शुरू कर दी थी। बमबारी परंपरागत सैनिक ठिकानों तक ही सीमित नहीं रह गई थी। शहर, कारखाने और आम नागरिक भी हमलों का शिकार बने थे। इन हमलों का जवाब देने के लिए जर्मनी ने अपने रडारों में भारी सुधार किया। बॉम्बर स्क्वाड्रन का पता 160 किलोमीटर दूर से ही लग जाता था। लैंकास्टर का एयर फ्रेम पूरी तरह धातु का बना था, बेहद मजबूत था और हर जगह पर गनर्स मौजूद थे, आगे, बीच में और पीछे। ये टरट्स पावर स्विवलिंग थे। इसकी गन टारगेट को बड़ी कुशलता से ट्रैक कर लेती थी। फुर्तीले फाइटर प्लेन्स भी नहीं बच पाते थे। जान बचाने का सबसे अच्छा तरीका था कि आप रात के अंधेरे में उड़ान भरें। युद्ध के दौरान ज्यादातर लैंकास्टर्स ने ऐसा ही किया था। अकेले बॉम्बर को लेकर दूर हमला बोलना तो आत्महत्या करने जैसा था। रात में उड़ान भरने से जान का खतरा कम हो जाता था, पर विमान का नेविगेशन और टारगेट पहचानना मुश्किल हो जाता था। 4,500 मीटर की ऊंचाई पर 440 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए टारगेट को पहचानना और उस पर हमला करना कितना मुश्किल होता होगा। नाइट रेड्स पर जाने वालों को इसकी आदत हो गई थी, इसे वो ब्लाइंड बॉम्बिंग कहते थे। अगर आप नक्शे पर अपने टारगेट को जानते हैं और अगर आप अपने विमान की सही स्थिति की जानकारी रखते हैं तो आप निशाने पर पहुंच सकते हैं। कहना आसान था, करना बहुत ही मुश्किल। अपनी रफ्तार, दिशा और हवा से होने वाले असर की गणना करके ये पता लगाया जाता था कि विमान कहाँ है। इस तरीके को डेड रेकनिंग कहते हैं। इस काम को आसान बनाने के लिए लैंकास्टर में कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए गए थे। इस प्रकार के सर्वश्रेष्ठ सिस्टम को नाम दिया गया था H2S। इसे बाद में बने लैंकास्टर में यहाँ नीचे इस पॉड में लगाया गया था। ये रेडार पर आधारित था और नेविगेटर को विमान के नीचे और आगे आने वाले लैंडमार्क्स की जानकारी देता था ताकि जरूरी दिशा परिवर्तन किया जा सके। जब टारगेट का पता मिल जाता था तब एक कंप्यूटर की मदद से बॉम्ब एमर का काम शुरू होता था। वो बम गिराने का सही समय तय करता था। ये काम कुछ इस तरह किया जाता था। तो शुरू करते हैं। मैं करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फिसलता हुआ नीचे जाऊंगा। टारगेट यहां से करीब 50 मीटर दूर है और इस बम का वजन करीब 2.25 किलो है। तो मेरा अंदाजा है कि करीब 10 मीटर पहले मुझे बम गिराना होगा। ठीक है, तो एक कोशिश करते हैं, चले। और अब मैं बम गिराऊंगा। इतनी सारी टेक्नोलॉजी के बाद भी बम गिराना किस्मत का खेल था।
पर सन 1943 में अपनी एक मुहिम के दौरान सही जगह पर बम गिराने में लैंकास्टर को नाटकीय सफलता मिली थी। डैम बस्टर बम गिराने का वाकया बमबारी का सबसे मशहूर वाकया है। इन रेड्स का मकसद रूर नदी पर बने 3 बांधों को नुकसान पहुंचाना था। जर्मनी के औद्योगिक इलाके की 75% जल वितरण व्यवस्था को अस्त व्यस्त और जर्मन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ठप्प करा देने का इरादा था। ये खास अब की बम इस तरह डिजाइन किया गया था कि वो गिरते वक्त 500 RPM से उल्टा घूमे। ऐसा करने से पानी पर टकराते ही बम उछलना शुरू कर देगा और बांध में लगे सुरक्षा बैरियर को लांघ जाएगा। जब वो बांध की दीवार से टकराकर डूबेगा तो ऐसी जगह जाकर फटेगा जहां सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। सही उछाल हासिल करने के लिए बम को सही एंगल से गिराना जरूरी था और ये तभी संभव था जब बम को ठीक 18 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए। उस जमाने में विमान का इंस्ट्रूमेंटेशन जिस स्तर तक विकसित हो पाया था ये बड़ा मुश्किल काम था। समस्या का हल निकालने के लिए विमान के निचले हिस्से में 2 लाइट बीम्स लगाए गए। उन्हें इस तरह सेट किया गया था कि जब प्लेन ठीक 18 मीटर ऊंचा उड़ रहा होगा तभी दोनों बीम्स मिल सकते थे। बम गिराओ भाई। उस रात रेडार और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग से बचने के लिए 617 स्क्वाड्रन के विमान RAF स्कैम्प्टन से जर्मनी तक सिर्फ 60 मीटर की ऊंचाई पर ही उड़े थे और जैसा लोग कहते हैं बाकी सब तो इतिहास है। बहुत ज्यादा बम टारगेट पर ही फटे थे फिर भी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। 19 में से 8 विमान वापस नहीं लौट पाए थे। पूरे युद्ध के दौरान कुल 3,500 विमानों का नुकसान हुआ था। ऐसा माना जाता था कि मार गिराए जाने से पहले एक लैंकास्टर 3 हफ्ते ही उड़ाने भर पाएगा। बहुत सी मशहूर लड़ाइयों में ये कामयाब रहा था पर युद्ध को ये खत्म नहीं करा पाया था। वो काम इसने किया था। अगस्त सन 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर हवाई बमबारी ने एक बिल्कुल नया मगर विभत्स रूप धारण कर लिया था। 2 परमाणु बमों ने मीलों दूर तक मानव सभ्यता का विनाश कर डाला था। कुछ ही सेकंडों में लाखों लोग जान से हाथ धो बैठे थे। जापान ने तुरंत ही अमेरिका के सामने हथियार डाल दिए थे। दूसरा विश्व युद्ध लगभग तभी खत्म हो गया था। एक बॉम्बर के लिए ये सबसे कामयाब मगर सबसे शर्मनाक दिन था। थोड़ा फेरबदल जरूर किया गया था पर ऐसे ही B-29 सुपर फोर्ट्रेस बॉम्बर ने वो घिनौना बम गिराया था। अमरीकी वायुसेना में इसे सन 1944 में शामिल किया गया था। वो अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली बॉम्बर था और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये यूरोप से उड़ान भरकर सुदूर पूर्व के देशों पर हवाई हमला कर सकता था। एक आम लैंकास्टर बॉम्बर बम गिराने की मुहिम के दौरान करीब 1600 किलोमीटर तक उड़ सकता था। B-29 इससे 4 गुना ज्यादा उड़ सकता था। अपनी कुछ खास विशेषताओं के कारण ही B-29 की रेंज इतनी बड़ी हो सकी थी। इसके चारों इंजनों की क्षमता बढ़ाकर 9000 हॉर्स पावर कर दी गई थी जो लैंकास्टर से करीब 50% ज्यादा थी, इसलिए वो तेजी से ज्यादा दूर तक जा पाता था। और इन्हीं विशेषताओं की वजह से ये विमान 9000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ पाता था। लंबी उड़ान के दौरान फाइटर प्लेन्स के संभावित हमलों से बच पाता था। विमान को इतनी ऊंचाई पर ले जाने के लिए जहां हवा कम होती है इसका विंग स्पैन 43 मीटर रखा गया था। इस ऊंचाई पर हवा की कमी के अलावा उसका तापमान जमाव बिंदु से 50 डिग्री नीचे होता है, इसलिए B-29 ऐसा पहला बॉम्बर था जिसके अंदर का दबाव बढ़ाकर उसे बाहर के वातावरण से सील कर दिया गया था। कैबिन का तापमान और दबाव आरामदायक बना रहता था। सबसे बढ़िया नजारा इसके कॉकपिट में बैठने वाले को मिलता था। ऐसा लगता था कि आप एक एरोडायनामिक ग्रीन हाउस में बैठे हैं। B-29 में कोई गन चलाने वाला नहीं होता था। इसकी बजाय इसमें 10 गन्स ऐसी लगी थी जिन्हें रिमोट से चलाया जाता था। कम लोगों की जान खतरे में पड़ती थी पर B-29 में बम का निशाना लगाने वाले की जान यहाँ आगे के हिस्से में बैठने के कारण कुछ ज्यादा ही खतरे में रहती थी। बमबारी के मामले में अमरीकी रणनीति ब्रिटिश रणनीति से बिल्कुल अलग थी। नागरिकों की जान न जाए इसलिए शुरुआत में अमरीका इंडस्ट्रियल टारगेट पर बमबारी करता था। सही टारगेट चुनने के लिए नई कंप्यूटर बॉम्ब साइट का आविष्कार हॉलैंड वासी कार्ल नॉर्डन ने किया था
जो करीब करीब लैंकास्टर के निशाना लगाने की प्रणाली से काफी कुछ मिलती जुलती थी। विमान की ऊंचाई, उड़ने की रफ्तार, दिशा, बम की अंतिम रफ्तार आदि बातों का ध्यान रखते हुए बम गिराने का समय तय किया जाता था। ये सिस्टम और एक कदम आगे था। पहली बार ऐसा हुआ था कि बमबारी के दौरान विमान का नियंत्रण भी इसके पास चला जाता था। बम गिराने का काम ऑटोमेटिकली किया जाता था। इंसानी गलती की संभावना खत्म कर दी गई थी। जब जापान के विरुद्ध चल रहे युद्ध में गर्माहट आई, तब अमेरिका की रणनीति में बदलाव आया। अब वो खास टारगेट्स पर हमलों को केंद्रित करने की बजाय रिहायशी इलाकों पर भी जोरदार हमलों की बात सोचने लगे थे। इसी रणनीति के कारण हिरोशिमा और नागासाकी पर दो परमाणु बम बिना आगे पीछे सोचे गिराए गए थे। B-29 बॉम्बर्स ने इतिहास के इन सबसे विध्वंसक बमों को गिराया था, और एक नजरिए से देखें तो वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऐसे बॉम्बर थे जो पिस्टन इंजन से चलते थे, और ये उनके द्वारा किए गए आखिरी महत्वपूर्ण हमले थे। 1950 के दशक में कोरियाई युद्ध में भी इनका इस्तेमाल हुआ था, पर एक नई टेक्नोलॉजी आ जाने की वजह से अचानक ही इनका इस्तेमाल रुक सा गया। जेट इंजन आ गए, होशियार बम बनने लगे, विमान उड़ाने और निशाना लगाने की नई तकनीक विकसित हो गई और छोटे विमान बनने लगे इस तरह के। टोनेरो GR-4 एक शानदार विमान है जिसे चलाने वाले पायलट्स को बेहद स्किल्ड होना चाहिए। इनकी ट्रेनिंग में 4 साल लगते हैं और लाखों पाउंड खर्च होते हैं। जेट इंजन के आ जाने से बॉम्बर्स के डिजाइन में एक क्रांतिकारी बदलाव आया। अब उतने बड़े विमान, उतनी ऊंची उड़ान और उतने भारी भरकम बमों का बनाना जरूरी नहीं है। इस बॉम्बर का विंग स्पैन सिर्फ 14 मीटर है, इसलिए ये छोटा, तेज और बड़ा का फुर्तीला है। कई दशकों तक बड़े से बड़े बॉम्बर्स बनाए जाते थे, लेकिन एकाएक ये छोटे होना शुरू हो गए, पुराने बॉम्बर्स के आकार के हो गए। जान बचाना ही इसका मुख्य कारण है। ऊंचाई पर उड़ना सुरक्षित रहने का तरीका था। लंबी दूरी की मुहिम पर जाने वाले बॉम्बर को सोफिस्टिकेटेड रडार, धरती से हवा में मार करने वाली मिसाइल और सुपरसोनिक फाइटर्स का सामना करना पड़ता है। टॉर्नेडो की रणनीति है रडार की नजरों से नीचे तेज उड़ान भरो। अगर दुश्मन के इलाके में देख लिया जाए तो टॉर्नेडो के पास बचने के कई तरीके हैं। दुश्मन को पीछे छोड़ लौट आना सुरक्षा का बुनियादी तरीका है, और इसके लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत होती है। टॉर्नेडो में 2 टर्बो यूनियन RB-99 जेट इंजन लगे हैं। ये इसे 2,350 किलोमीटर प्रति घंटे की सुपरसोनिक स्पीड दिलाते हैं। इंजन का थ्रस्ट 4100 किलो तक होता है। आफ्टर बर्नर्स का उपयोग करके इसे 6,350 किलो तक बढ़ाया जा सकता है। पर बच निकलने के लिए सिर्फ ताकत से ही काम नहीं चलता, छिपने, गोता लगाने की काबिलियत भी जरूरी है। इसलिए टॉर्नेडो के विंग्स बड़े ही खास तरीके से डिजाइन किए गए हैं। ये अपना आकार बदल सकते हैं, दूसरे शब्दों में कहें तो एडजस्टेबल होते हैं। उड़ान के दौरान अलग अलग रफ्तार पर ज्यादा से ज्यादा एजिलिटी देने के लिए विंग्स एडजस्ट होते हैं। इन्हें आगे लाने से धीमी रफ्तार पर विमान को आसानी से घुमाया जा सकता है। हाई स्पीड फ्लाइंग के लिए विंग्स को पीछे ले जाने से प्रोफाइल एरोडायनामिक हो जाता है। खतरे से बच निकलने की क्षमता पर इस विमान को पूरा भरोसा है, सिर्फ इस एक सुरक्षा गन पर। 27 मिलीमीटर बोर की बाउजर 1 मिनट में 1700 राउंड फायर कर सकती है। एक विमान की तरह इसमें चाहे जितने भी खूबियां हो, पर इन बमों के बिना वो किसी काम की नहीं है। इन बमों ने ही इसे एक कारगर बॉम्बर बनाया है। परंपरागत बमों को सिर्फ प्रक्षेपित किया जाता था, वो बैलिस्टिक होते थे। उनके लिए टारगेट ढूंढना किसी और की जिम्मेदारी थी, उनके पास अपनी कोई क्षमता नहीं थी और सही जगह गिराना बहुत जरूरी था। आज के जमाने के बम विमान के संपर्क में रहते हैं। सही टारगेट पर सही प्रकार से प्रहार के लिए ये जरूरी है। इन बमों को इन पर लगे GPS को विमान से निकलने वाली अदृश्य लेजर किरणों द्वारा निर्देशित किया जाता है। इसकी एक्यूरेसी ने इस बम को ज्यादा विध्वंसक बना दिया है। अब ज्यादा बड़े बम ले जाना, ज्यादा बड़ी संख्या में बम ले जाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। टॉर्नेडो ये काम अब सिर्फ एक बम से कर पाता है। ऐसा दावा है कि पेव वेव्स जैसे बम किसी खास इमारत के किसी खास कमरे को निशाना बना सकते हैं। पुराने जमाने के बॉम्बर्स के साथ ये संभव नहीं था, पर ये विमान और इसके हथियार दिन हो या रात किसी भी मौसम में अपना काम कर सकते हैं। दूसरे विश्व युद्ध की नेविगेशन टेक्नोलॉजी अब और भी विकसित हो गई है। GPS और टेरेन फॉलो करने वाले रडार की मदद से कंप्यूटर बेहद एक्यूरेट निशाना लगाते हैं। बमबारी अब पुराना किस्मत का खेल नहीं रह गई है।
टॉर्नेडो के पायलट को हर समय इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वो कहाँ है और उसे किस चीज को निशाना बनाना है। एयरक्राफ्ट के कंप्यूटर्स जो जानकारी इकट्ठी करते हैं वो पायलट के सामने इस हेड डिस्प्ले पर आ जाती है। तो इसे उड़ाने वाले को कैसा लगता होगा? मैं इसे सच में तो उड़ा कर नहीं देख पाऊंगा क्योंकि ट्रेनिंग के लिए मेरे पास 4 साल का समय नहीं है, पर मेरे लिए और इसे सीखने वाले पायलट्स के लिए जो सिमुलेटर बनाया गया उसमें बैठकर हम अपनी गलतियां पहले ही कर सकते हैं। ये एक विशाल कंप्यूटर गेम जैसा है, विमान उड़ाने के सारे फंक्शंस और पूरा रोमांच आप महसूस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। उड़ान से जुड़े सभी पैरामीटर्स, यहाँ तक कि दुनिया के किसी भी खास इलाके के किसी खास समय के मौसम के हालात भी इसमें प्रोग्राम किए जा सकते हैं। पुराने बॉम्बर्स की तुलना में सबसे बड़ा बदलाव इसे चलाने वालों की संख्या में आया है। यहाँ 2 लोग बैठ सकते हैं, एक पायलट और दूसरा वेपन्स ऑपरेटर। तो क्यों ना एक चक्कर लगाया जाए, चले। जब कॉकपिट बंद हुई तब मुझे इस बात का सही एहसास हुआ कि यहाँ कितनी कम जगह है। सिर और कंधे हिला पाने के लिए कुछ भी करने के लिए जगह नहीं है। मैं पूरी तरह से कंप्यूटरों से घिरा हुआ हूँ, थोड़ा सहम सा गया हूँ। अगर आप पर्सनल कंप्यूटर ठीक से समझते नहीं है तो आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। दोनों आफ्टर बर्नर जला दिए गए हैं। हमें जल्दी से जल्दी टेक ऑफ स्पीड हासिल करके जमीन छोड़नी है। 0 to 325 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 20 सेकंड में। मुझे 900 किलो का पेव हुए 3 बम गिराना है जो हमारे राइट विंग के नीचे लटका है। एक टापू पर हथियारों का जखीरा उड़ाना है। हम आवाज की रफ्तार से थोड़ी कम रफ्तार पर नीचे उड़ान भरेंगे। लगता है हमला शुरू हो गया है। ये कुछ बात हुई, नीचे कुछ जाबाज लोग मौजूद हैं जिन्हें हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा है। जैसे ही हमले के लिए विमान मुड़ा उस पर और उसमें बैठे पायलट्स पर 4G का दबाव था। पायलट्स ने विशेष जी सूट पहन रखे हैं इसलिए कि आंखों के आगे अंधेरा न छा जाए, दिमाग में खून का आना जाना ज्यादा न बढ़ जाए। टारगेट राइट विंग से कुछ हटकर है। मेरा काम है कि लेजर को टारगेट पर लोड कर दूं ताकि बम को गाइड किया जा सके। बम चल पड़ा है। जी फोर्सेस बहुत ज्यादा होती है, रफ्तार ज्यादा होती है। विमान में मौजूद टेक्नोलॉजी बेहद उन्नत है। पायलट अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं की सीमा पर पहुंच जाते हैं। कौन विश्वास करेगा कि इस सब की शुरुआत 100 वर्षों से भी कम समय पहले लकड़ी और कपड़े से बनी फ्लाइंग मशीन से हुई थी।